हम जैनी है इस बात का संकल्प करो। अरे घर के बाहर तो बिस्लरी पीते हो, कम से कम घर के अंदर तो शर्म करो कि छना पानी पियेंगे। महाराज आरो लगाया, बैल की हड्डी होती ना उसको जैसे चक्की में गेहूं पीसते हैं, ऐसे बैल की हड्डी को पीस दिया जाता है। बैल की हड्डी को पीस करके उसमें सिरामिक मिला करके, उसमें कुछ और पदार्थ को मिला करके, और बैल की हड्डियों से एक सेक्शन बनाया जाता है, जैसे लंबा लंबा सा जो व्हाइट कैंडल देखते हैं ना, वो व्हाइट कैंडल आरओ में दिखता है, फिल्टर में लगा होता है। नीचे घर के अंदर फिल्टर है, हम बड़े घर के लोग हैं, फिल्टर को पानी पियत, छन्ना से पानी छानवे में सारा बात है, और फिल्टर लेकर के अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं कि घर के अंदर का वो जो कैंडल होता है, उस कैंडल में बैल की हड्डी को मिक्सी में पीस करके चूरा कर देते हैं। बड़े बड़े पीसने के यंत्र होते रहते हैं, और जितने भी स्लॉटर हाउस में जितने भी स्लॉटिंग होती है, सारी की सारी हड्डियों को उठा करके यही सिरामिक बनाने वाले लोग ले जाते हैं। चाहे आप बोन चाइना की क्राकरी यूज करते हो, और चाहे बैल की हड्डी का बना हुआ वो वाटर फिल्टर, पानी डाल दिया, अब उसमें इस तरीके से ऑक्सीजन और गैस छोड़ी जाती है कि उस बैल की हड्डी में बहुत छोटे 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 छेद होना शुरू हो जाते हैं, जो छूने में थोड़ा सा तो क्रिस्पी जैसे थोड़ा से मतलब खुरदुरे से लगते हैं, लेकिन उसमें जब पानी होकर के रिश्ता है तो गंदगी तो यहां छूट जाती है एक तरीके की, लेकिन दूसरे तरीके की गंदगी और भावों की जो हिंसा है वो पेट के अंदर तक पहुंच जाती है।